नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का इस वीडियो का विषय है मंगल का राशि परिवर्तन। जानते हैं मिथुन राशि का हाल, क्या प्रभाव देने वाले हैं मंगल, मंगल कितना मंगल करेंगे, कितना अमंगल करेंगे, आइए जान लेते हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी राशि को बदलने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति कहा जाता है। मंगल तेज है, शौर्य है, शक्ति है, ऊर्जा है। मंगल पराक्रम है, मंगल युवा है, आपकी धमनियों में बहता हुआ गर्म रक्त है मंगल। मंगल तेज, शौर्य और क्रोध भी है। ग्रहों के सेनापति यह परिवर्तन कन्या राशि से तुला राशि में करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मंगल और वक्री बुध का मिलन भी होने जा रहा है। यह मंगल का परिवर्तन आपके लिए कितना मंगलकारी है, कितना अमंगलकारी है, जानते हैं विस्तार पूर्वक। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। बुध 5 दिसंबर तक वक्री होकर तुला राशि में रहेंगे। बुध वक्री अवस्था में है। मंगल की युति होगी 5 दिसंबर तक बुध के साथ, जबकि मंगल लगभग 45 दिन तक 25 दिसंबर तक तुला राशि में रहने वाले हैं। मंगल की चौथी सातवीं दृष्टि होती है और मंगल जहां पर बैठे होते हैं वहां से चौथे, सातवें और आठवें देखते हैं। वैसे तो सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि कही जाती है। मंगल ग्रह जो है तुला राशि में अस्त होते हैं, यानी तुला राशि मंगल के लिए अस्त राशि है। तो अब ये सारी जो बातें हैं आपको मैंने बता दी और इसके आधार पर ही हम आपकी राशि को देखने वाले हैं, क्या मंगल परिणाम देने वाले हैं, बुध के साथ युति करके क्या परिणाम देंगे, अकेले मंगल क्या परिणाम देंगे, बाकी अन्य ग्रहों के साथ मंगल का जो दृष्टि संबंध बनेगा आपकी गोचर कुंडली में उससे क्या परिणाम मिलेंगे। तो मंगल का यह गोचर आपके साथ किस प्रकार का फल देने वाला है, आइए विस्तार पूर्वक अब जानते हैं आपकी राशि का हाल। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को और गोचर कुंडली में मंगल कहाँ पे बैठे हुए हैं। गोचर कुंडली में मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है और बुध भी कुछ समय तक उनके साथ रहेंगे, वक्री बुध। तो आपकी गोचर कुंडली में मंगल का यह परिवर्तन पंचम भाव में हो रहा है और यहाँ पर बुध भी है, तो क्या परिणाम होंगे आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातक जातिकाओं को कितना लाभ देने वाले हैं मंगल। आप खूब धनवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, संतान सुख को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता करनी पड़ सकती है। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपके गर्भ में शिशु किसी भी अवस्था में हो, यानी आपका ने अभी अभी कंसीव किया हो, या आपको 1 महीना हो गया हो, 4 महीने हो गए हो, या 9 महीने हो गए हों, या 9वां महीना चल रहा हो, यानी कि पहले दिन से 9वें महीने तक की कोई भी स्थिति हो, अवधि हो, तो आपको विशेष सावधान रहना है। और इस समय अंतराल में उन लोगों को, यानी उन महिलाओं को ज़्यादा सावधान रहना है जिनका गर्भ 1 से 3 महीने तक का है। तो यहाँ पर बहुत सावधानी से अपने कदमों को रखें, डॉक्टर की सलाह माने और जो भी खाना पीना है समय पर और अच्छी तरीके से खाएं। वैसे तो हर गर्भवती महिला को विशेष सावधानी रखनी है, लेकिन जिनका गर्भ 1 से 3 महीने का है उनको विशेष सावधानी रखने की मैं सलाह देता हूँ। अपने गर्भ में पल रहे शिशु का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। अपने स्वभाव में बहुत ज़्यादा क्रोध ना लेकर आए, अच्छा पॉजिटिव सोचें, डिप्रेशन में ना जाए और पॉजिटिव तरीके से अपने जीवन को महिलाएं या पुरुष बिताते हैं तो अनेक समस्याओं का हल ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चिंता का विषय है वो है संतान से जुड़ा हुआ है। एक तो गर्भवती महिलाओं को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी अगर आपकी संतान है तो उससे भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपके स्वभाव में चंचलता होगी, आप खुश मिजाज हंसी मजाक वाले महिला पुरुष होंगे। आपको छल कपट करना खूब अच्छी तरीके से आएगा, इस समय में आप खूब चलाकी दिखाएंगे। और अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं या किसी भी विभाग से जुड़े हुए हैं जहां पर आपका ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर लेन देन का काम चलता है, यानी कि रिश्वत का काम चलता है, तो रिश्वत लेने से बचिएगा, नहीं तो फंस सकते हैं। इस समय अंतराल में आपको रिश्वत देने वाले बहुत लोग आएंगे, यानी कि
आपके पास बंद लिफाफों में पैसा आएगा कि आप ये काम कर दीजिए वो काम कर दीजिए, इस तरीके का धन लाभ आपको हो सकता है, लेकिन फंसे तो सारे जीवन की कमाई भी जाएगी और चरित्र भी खराब होगा और नाम भी दागदार हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय अंतराल में आपके पास नंबर दो से आता हुआ पैसा खूब होगा। आप फैसला लीजिए कि आपको ईमानदारी बरतनी है या नंबर दो से चलना है, ये निर्णय आपका है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि बुरा काम कभी भी करें तो ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। आप कर लें, लेकिन आपको कोई इंसान देखे या ना देखे ईश्वर जरूर देखता है, तो ये फैसला आपके ऊपर है, लेकिन ऐसे अवसर आपको जरूर मिलेंगे, तो आप सोच समझ कर फैसला लें। आपको मंगल के साथ बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा, गलत कामों से मुंह मोड़ना होगा, गलत कामों की तरफ नहीं जाना है। आपकी संतान क्रोधित होगी, आपकी संतान के दिल में क्रोध होगा, अपने संतान के दिल से क्रोध को निकालकर प्यार से उसको जीतने का प्रयास करिएगा, उसके साथ बैठकर बातचीत करिएगा, या करी हो सकता है आपकी पुत्री हो या पुत्र हो, जो भी हो, उसके साथ समय बिताइएगा और जानने की कोशिश करिएगा आखिर ये क्रोध पैदा कहाँ से हुआ, इस क्रोध का कारण क्या है। जब आप कारण जान जाएंगे तो आप उसका निवारण भी कर देंगे। तो अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा होने की बजाय कारण जानिए कि क्रोधित क्यों है, तो बढ़िया रहेगा। अपने मन में जीवन साथी के प्रति बहुत ही आदर और सम्मान रखें तो बढ़िया रहेगा। आपके मन में जीवन के सुख भोगने की इच्छा होगी, इसलिए आपको मेहनत करेंगे, खूब धन कमाएंगे, यानी इस समय अंतराल में बच्चे हों बड़े हों खूब महत्वाकांक्षी होंगे, उनके बहुत सारे लक्ष्य होंगे, उनको बहुत कुछ पाने की इच्छा होगी और उस चीज को पाने के लिए वो खूब मेहनत और खूब प्रयास करेंगे, और मंगल यहाँ पर आपके जोश में खूब उबाल भी लेकर आएंगे और खून को भी खौला के रखेंगे, यानी गर्म खून और युवा शक्ति की तरीके से आप काम करने वाले हैं। अब आपके अंदर खूब जोश और जुनून होगा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। आप इस समय अंतराल में अगर कोई गलती करते हैं या कोई पाप करते हैं जो नहीं करना चाहिए, अब मान लीजिए आपसे हो गई, तो अगर आपको कोई समझाने आएगा कि भाई देखो ये आपने गलती करी, ये पाप किया, ये गलत बात है, इसके लिए माफी मांग लो या प्रायश्चित कर लो, आगे से मत करना, तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा कि नहीं मैं तो और करूंगा। यानी कि इस समय अंतराल में आप थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, अपनी मनमानी करने वाले हो सकते हैं, आप गलतियों को मानने की बजाय और गलतियां करने वाले महिला पुरुष हो सकते हैं, तो इसलिए अपनी गलतियों को मानिए और वहीं पे फुल स्टॉप लगाइए, ना कि और गलतियां करिए। अब बड़ी मुश्किल से आप मानेंगे, अगर कोई समझा पाया तो आप समझे, लेकिन उम्मीद कम लगती है कि आप समझेंगे, आप गलती करके भी अपनी गलती नहीं मानेंगे और गलतियां करते रहेंगे, तो यहां पर आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। आप छोटे हो या बड़े हो, आपके अंदर क्रोध और जिद हो सकती है, इसी क्रोध और जिद में आप किसी को कुछ नहीं समझेंगे और यही मानेंगे जो हूं मैं हूं, जो किया हूं सही किया, ऐसे ही होना चाहिए था चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो आपकी आंखों पर क्रोध और जिद्दपन की पट्टी बंधी होगी, जिसके आगे आप शायद देख नहीं पाएंगे, और यह स्थिति हुई तो आपको हानिकारक रिजल्ट मिल सकते हैं। समय बेहतर है, लेकिन बीच बीच में कुछ परिणाम ऐसे भी हैं जिससे आप समय को खराब कर सकते हैं। यदि इन सब चीजों पर नियंत्रण रखा तो समय शानदार रहेगा, मंगल का यह परिवर्तन बहुत लाभदायक रहेगा। आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आप अपनी और अपनों की सेहत का विशेष ध्यान रखें, विवादित मामलों में आपको लाभ हो सकता है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वहां पर लाभ हो सकता है, फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। आपकी रुचि सट्टेबाजी शेयर मार्केट में हो सकती है और यहाँ पर लाभ की स्थिति होगी, लेकिन विशेष समझदारी रखने की भी आवश्यकता होगी। विदेश जाकर पढ़ाई करने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा। आपके मन में लोभ की भावना का जन्म हो सकता है, आप लालची हो सकते हैं, दूसरे को सुख को पाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। ऐसा होगा कि किसी के पास कोई चीज है तो उसको पाने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है, लालच हो सकता है, भले वो चीज आपके काम की हो या ना हो, तो आप व्यर्थ में उसको पाने के लिए खूब मेहनत और प्रयास कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर वो चीज आपके काम की नहीं है और व्यर्थ में आप लोभ कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, और यदि आपको लगता है कि किसी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए और वो चीज आपके काम की है तो बिल्कुल मेहनत करिए, मंगल यहाँ पर आपकी सहायता करेंगे, लेकिन उसमें लालच नहीं होना चाहिए। अगर वो जरूरत है तो जरूरत को पूरी करने में कोई बुराई नहीं होती है, ऐसे पूरी करिएगा कि किसी को कष्ट ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको विद्या का लाभ अवश्य प्राप्त होगा, यानी छात्रों का दिमाग दुरुस्त रहेगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, आपके काम बहुत बढ़िया होंगे, आपके काम पर लोगों का
अच्छी रिव्यूज आएंगे, आपने जो काम किया होगा लोग कहेंगे कि वाह बहुत बढ़िया काम किया है, आपके काम की तारीफ होगी। अगर आप किसी परीक्षा कंपटीशन खेल में जाना चाहते हैं तो जाएं, सफलता मिलेगी। थोड़े से खर्च बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पैसा लेते देते समय सावधानी रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा धोखाधड़ी हो सकती है। यह परिवर्तन आपको धन लाभ कराएगा, खूब धनवान बनाएगा। धन सीधे रास्ते से आए या तिरछे रास्ते से आए, धर्म के रास्ते से आए या अधर्म के रास्ते से आए, धन आएगा जरूर। और मैं आपसे यही कहूंगा कि धर्म के रास्ते से धन कमाए, अच्छे रास्तों से धन कमाए तो बेहतर रहेगा। आपके फंसे हुए कहीं पैसे हैं तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, पैसा आएगा आपके पास, आपका फंसा होगा, एक बार मांग के देखिएगा, सामने वाला व्यक्ति स्वयं वापस करने के लिए मान जाएगा। और आपको बहुत ज्यादा क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, लड़ाई झगड़ा करके पैसे मत मांगिएगा। प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, बड़े भाई बहनों से तनाव हो सकता है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा प्यार थोड़ा सा तकरार वाला वक्त रहेगा, वाहन ठीक प्रकार से चलाना होगा, घर के बड़ों की सेहत का ध्यान रखना होगा, स्वयं की सेहत का ध्यान रखना होगा, बच्चों की सेहत का ध्यान रखना होगा, और सही और सदमार्ग पर चलना होगा। समझदारी ही बचाव है, आप फैसले अच्छे लीजिएगा, यह वक्त आपके पक्ष में हो जाएगा, मंगल आपको बहुत लाभ देंगे। यानी कि ये जो वक्त है मंगल का, ये जो गोचर है मंगल का, आपको धर्म और अधर्म दोनों तरफ लेकर जाएगा। तो आप धर्म को चुनते हैं अधर्म को चुनते हैं ये फैसला आपको है, लेकिन ईश्वर कहता है कि सच्चे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो भले देर से प्रगति हो लेकिन इतनी शानदार होगी कि इस जीवन में आपको मजा आ जाएगा और आपकी इतनी अच्छी प्रगति होगी कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। अधर्म से कमाया हुआ पैसा, बुरे कामों से कमाया हुआ पैसा जितनी तेजी से आता है उससे डबल तेजी से जाता भी है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, गुड़ और चना बंदरों को खिलाना चाहिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा और हनुमान जी भी प्रसन्न रहेंगे। हनुमान मंदिर जाकर आप मंगलवार को जाएं, शनिवार को जाएं, हनुमान जी की आराधना से मंगल को शांत कर सकते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन ध्यान वगैरह लगाएं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो यह था आपके लिए मंगल का परिवर्तन। और अगर आपके जीवन में फिर भी मंगल कोई परेशानी देते हैं या अन्य ग्रह परेशानी देते हैं तो अपनी कुंडली की विवेचना कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और जानें अपने जीवन में कैसे सुख पाए। हरिओम, नमस्कार।